के जो लॉजिक कार्ड होता है, जो पोर्ट होता है, वो ब्रोकन पोर्ट को रिप्लेस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे करना है। तो दोस्तों अभी एक ये है, कंफर्म कर लेते हैं पहले प्रिंटर हमारा वर्किंग है या नहीं, तो उसके बाद हम कार्ड रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्लेस करके कार्ड को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अब ऑन करने के बाद देखते हैं इसमें। तो देखिए ऑन कर लिया, साथ साथ ही कोई रिजल्ट नहीं, कोई भी लाइट नहीं आ रहा, तो फिर भी एक बार हम पावर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सिर्फ लॉजिक कार्ड ही ख़राब नहीं है, साथ साथ भी हमारा जो पावर सप्लाई है वो भी ख़राब है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पावर सप्लाई रिपेयर करना होगा, फिर लॉजिक कार्ड हम रिपेयर करेंगे। लॉजिक कार्ड के लिए एक डोनर पीसीबी अरेंज कर लिया मैंने और आपको दिखाएंगे उस सारी कंप्लीट जानकारी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तो एक डोनर पीसीबी यहां पे ले लिया है स्क्रैप, और इसको हम ये रिप्लेस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी अलग की बात है, पहले ऑन कर लेते हैं प्रिंटर को। और इसमें दो फॉल्ट आपको सीखने को मिलेंगे, एक तो पावर सप्लाई है और दूसरी क्या है, लॉजिक कार्ड का ब्रोकन पोर्ट को रिप्लेस करना। ओके, ये हमारा इधर से खुल गया, एक बार हम खोल लेते हैं कवर को। तो ये हमारा कवर ओपन हो गया। तो बेसिकली जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये के फ्यूज ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक मॉस्फेट, और एक हमारा ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो वेल लगी हुई है, ये बिलो 10 ओम। तो देखते हैं क्या ख़राब मिलता है हमें, फिर इसके अकॉर्डिंग डायग्नोस और रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द मल्टीमीटर। देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके बीप कर रहा। अब चलते हैं वोल्टेज टेस्टिंग पे और देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है, आउट इनपुट वोल्टेज जो है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ तक रिसीव हो रहा, तो वो देखेंगे। ओके तो अभी देखिए लगा दिया। तो अभी भी सेम इशू, प्रिंटर का कंडीशन आप देख सकते हैं कि कैसा है, तो फिर भी कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 8 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ही हमारा यहाँ पे हो सकता है ईसीयू में। और यहाँ पे 24 वोल्ट देख लेंगे, 23-24 वोल्ट, तो ये एक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ इन टर्मिनलों पर रखेंगे। यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आएगा, तो इट मीन्स जो हमारा देखिए 8 वोल्ट ही रिसीव हो रहा है 23-24 वोल्ट की जगह, इसलिए नहीं चल रहा है। तो पहले फर्स्ट लेवल पे हमारा जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पे फॉल्टी है, तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को निकालेंगे और रिपेयर करेंगे, उसके बाद से हम जो भी है एक्टिविटी आगे का परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर बोथ पार्ट, जो जो पार्ट ख़राब होगा। देखिए तो इस इश्यू का भी हालत ख़राब है, तो इस वीडियो में तो पॉसिबिलिटी कम ही चांस है, अभी हम देखते हैं कंप्लीट होना, क्योंकि इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, और ये फ्यूजर का इम्पीडेंस चेक करना है। देखिए बजर मोड पे आप डालिए मल्टीमीटर को, 50-90 मल्टीमीटर रेंज कुछ भी दिखाए तो इट मीन्स ओके। देखिए वो इम्पीडेंस कोई भी नहीं आ रहा है, तो फ्यूजर भी ख़राब है, इसमें क्या क्या ख़राब है आप खुद ही देख सकते हैं। और दोनों टच करने पे देखिए बीप भी यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अब आके जाके रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो सही से लगा रहे हैं, ओके है फ्यूजर। चलते हैं वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज दोबारा चेक करते हैं एक बार,
डीसी मोड पे 23-24 वोल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा था। अब से देख लेते हैं, अब देखिए 24 वोल्ट आ गया है, तो हमारा सप्लाई गुड है इस केस में। और इस केस में हमारा जो इश्यू है, इश्यू की हालत के वजह से ही आगे पावर नहीं जा रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इश्यू को रिप्लेस करेंगे, जो कि हमारा प्रिंटर चल जाएगा उसके बाद। सॉरी, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब इस लॉजिक कार्ड को भी, हम लॉजिक कार्ड को पोर्ट को चेंज करके देख लेते हैं कैसे चेंज करना है और कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा डिटेल में, आप चाहो तो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो खुद। तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है लॉजिक कार्ड टेस्टिंग रिपेयरिंग, तो आप देख सकते हैं उस पर जाके परफॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉल्टी कार्ड को निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा साइड हो गया, हम बात करते हैं इसको रिप्लेस करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें री शोल्डरिंग करेंगे, जिससे पीसीबी थोड़ा सा शोल्डर मेल्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से और हमें रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, री शोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए होने के बाद बिना शोल्डर वायर के भी आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, और इसके नोजल्स भी, होल्स भी ओपन हो जाएंगे और ब्लॉकेज भी खुल जाएगा, जो डैमेज पार्टिकल्स हैं वो भी आपके सामने खुल जाएगा। देखिए, और इसके ट्रैक भी इस तरह से टूटने के चांसेज नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अभी हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, पोर्ट को निकालते हैं डोनर पीसीबी से। तो इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ध्यान देना कि आप लोग फ़ैन वगैरह बंद करके निकालोगे तो ये जल्दी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये क्या होता है, शोल्डर की जो पीसीबी होते हैं वो ठंडा हो जाता है शोल्डर, और पीसीबी पे भी हवा लगता रहता है, तो इस वजह से यहाँ से भी प्रॉपर हीट नहीं होता। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, और जो यहाँ पे पिंस आप देख रहे हो, ये क्या होते हैं, ये भी स्ट्रेट कर लेना, बैंड हुआ है इसके वजह से भी आपको दिक्कत आएगा कि निकालने, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको स्ट्रेट कर लीजिए, अभी आप इजीली निकाल पाओगे। और कोई भी गलती नहीं होगा आपसे, परफेक्ट तरीके से एकदम बिल्कुल आपका जो है पोर्ट चेंज हो जाएगा, यूएसबी पोर्ट किसी भी सेक्शन का, कंप्यूटर मदरबोर्ड या किस कहीं से भी रिप्लेस करना चाहते हैं टूटा हुआ पोर्ट को, तो आप इजीली रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस पर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वहाँ निकल जाएगा, ओके। फिर हम इसको परफॉर्म करके निकालेंगे। परफेक्ट तरीके से आपको निकालना है, नहीं तो डैमेज होने के बाद ये लग नहीं पाएगा दोबारा से। तो चलिए बंद कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं निकाल के।
तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि जो SMD मशीन होता है उसका नोज़ल वगैरह निकाल के आगे का, तब आप इसको निकालिए, तब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पहले हीट दीजिए बैक साइड से इसको, देखिए क्योंकि ये ख़राब है तो कोई बात नहीं। देखिए जो हमारा ये है कनेक्टर, यहाँ पे निकल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल चुका है, कोई पिन डैमेज नहीं हुआ है, जला फूका कहीं से भी नहीं है। देखिए ओके, तो इसको हटा देते हैं साइड में और इसको हम क्या करते हैं क्लीन करके लगा देते हैं। तो ये ट्रिक जुगाड़ कैसा लगा बिना शोल्डर वायर का, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये भी आप पर प्रैक्टिस से आप कर सकते हो बिल्कुल। तो देखिए ये जो हमारा है USB सेक्शन कम्प्लीटली ये हमारा USB पोर्ट चेंज हो गया, और जो PCB है शोल्डरिंग करने की, तो आपको बताना चाहूँगा शोल्डरिंग करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड शोल्डर हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, और बैक साइड से हीट देना चाहे तो हीट या आयरन से आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये क्या होगा शोल्डरिंग हो जाएगा। ओके, ये आप चाहें तो शोल्डर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि उससे बढ़िया से शोल्डरिंग कनेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये देख सीखा कि कैसे USB पोर्ट को रिप्लेस करते हैं और दूसरे PCB से कैसे निकालते हैं विदाउट शोल्डर वायर और परफेक्ट तरीके से, और जुगाड़ ट्रिक वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं रिपेयरिंग में कस्टमाइज करके। वो ये देखिए, तो ये क्लीन हो गया, अब थोड़ा सा का इस्तेमाल करके इस पर दिखाते हैं तो कैसे परफेक्ट क्लीन तरीके से लगा है, कहीं से भी कोई ट्रैक वगैरह डैमेज नहीं है और फाइन तरीके से देखिए लग गया है और कहीं से भी जला नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ओके बिल्कुल फाइन तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।